हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 25 फरवरी 2022 से EWSDG कैटेगरी के फॉर्म निकल गए हैं और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है 3 मार्च 2022 है। तो वो पेरेंट्स जो एज के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स अभी हैं प्रेजेंट में, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है 2021-22 के सेशन के लिए है। अगर आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आता है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो 21-22 के सेशन के लिए होगा। और अब जो साल 2022 और 23 आने वाला है, इसमें बच्चा आपका ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा चांस है फॉर्म भरने का 2021 और 22 के सेशन के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ KVS के बारे में, केंद्र विद्यालय के बारे में, जिसे आप सेंट्रल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो आप में से वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की एज 6 साल या 6 साल से अधिक है, वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म 28 फरवरी मतलब कल से 28 फरवरी 2022 से रिलीज हो जाएंगे। सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, तो आप KVS के फॉर्म भी भर सकते हैं। साथ साथ आप EWSDG कैटेगरी के जो प्राइवेट स्कूल में फॉर्म निकलते हैं वो फॉर्म भी भर सकते हैं 2022 और 23 के सेशन के लिए। आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपने दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भरा है तो आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, ये बहुत बड़ा मौका होता है पेरेंट्स के लिए। और आप जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, मैं उन सभी को कहना चाहूंगी कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति वाकई में बहुत सीरियस हैं, तभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सही सलाह, सही सजेशन दूंगी कि देखिए, KVS के जो 28 फरवरी को कल से फॉर्म निकल रहे हैं उस फॉर्म को भी आप भरिए। ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि KVS में भी अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आपका, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका बच्चा जैसे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, उसी तरह से KVS स्कूल में भी पढ़ेगा। उसको वहां पे पूरा प्राइवेट स्कूल की तरह ही माहौल मिलेगा। वहां के टीचर्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत बड़े लेवल का टेस्ट पास करके उनका अपॉइंटमेंट होता है और तभी वो टीचिंग करने के लिए तैयार होते हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो मौका है आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, तो KVS के भी फॉर्म आप भरे। और साथ साथ जो 2022 और 23 के EWSDG कैटेगरी के जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में निकलेंगे वो फॉर्म भी आप भरिए, दोनों फॉर्म भरिए। हो सकता है आपके बच्चे का EWSDG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में ड्रॉ में नाम ना निकले, क्या पता लकली आपके बच्चे का नाम KVS स्कूल में आ जाए। देखिए, दोनों स्कूलों में फॉर्म बहुत ही बड़ी संख्या में भरे जाते हैं और ये आप भी जानते हैं कि सभी बच्चों का नाम आना पॉसिबल नहीं है लकी ड्रॉ में, क्योंकि सीट्स से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो कुछ ही लकी बच्चों को लकी ड्रॉ में सिलेक्ट किया जाता है और उनका नाम स्कूल में रेफर किया जाता है एडमिशन के लिए। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगी कि आपके लिए ये भी एक बहुत बड़ा मौका होता है KVS में फॉर्म भरने का। तो आप केंद्रीय विद्यालय में भी जो कल से फॉर्म निकल रहे हैं उसे भी भरिए, अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर है, क्योंकि अब जो केंद्रीय विद्यालय की एज लिमिट है फर्स्ट क्लास के लिए वो चेंज हो गई है इस साल से नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब जो मिनिमम एज है, कम से कम जो एज होती है बच्चों की, वो 6 साल होनी चाहिए। और अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से अधिक है तो आप टेंशन फ्री होके इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में जो EWS के फॉर्म निकलते हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स KVS के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। बस वहां पे आपको क्या करना होता है, जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको बच्चे की एक फोटो अपलोड करनी होती है, बस यही डिफरेंस है। बाकी डॉक्यूमेंट्स सब सेम आपको वहां पे भरना होता है, फॉर्म में जो डिटेल भरनी होती है वो सभी सेम भरनी होती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं EWSDG कैटेगरी के फॉर्म भरने के लिए, तो साथ साथ आप ये फॉर्म भी भरे और एक बच्चे की फोटो जरूर खिंचवा लीजिए।
आप फॉर्म भरने का टाइम भी बहुत है, 28 फरवरी 2022 से फॉर्म निकलेंगे और ये फॉर्म 21 मार्च 2022 तक भरे जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से फॉर्म भरिएगा, एक दो दिन के बाद भरिएगा धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अभी सर्वर जो कल से होगा वो बहुत बिजी होगा, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए, अपने बच्चे का फोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर फोटो आपको स्कैन करके डालना होता है और आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी स्कैन करके डालना होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का जरूर होना चाहिए और उसपे आपके बच्चे का नाम मेंशन होना चाहिए। तो ये जो जानकारी है मैं आप सभी से शेयर करना चाह रही थी कि आप EWS DG कैटेगरी के फॉर्म के साथ साथ KVS का भी फॉर्म भरे, क्योंकि देखिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और KVS स्कूल में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्कूल सिमिलर ही चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सही सलाह देने की कोशिश करूंगी, तो आप ये मौका बिल्कुल भी मत गवाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।